हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बड़े मज़े की होने वाली है भाईजान। मैं तो 2019 से लेकर और 21 तक जो रिव्यूज़ किए हैं काफ़ी मज़े के गए हैं, तो मैंने सोचा आज अगेन वो याद ताज़ा की जाए। अगर पसंद आई तो हम आगे इसको कैरी ऑन रखेंगे। आज ना मैं आया हूँ जेट साहब के गैरेज पे और मैंने कहा यार कोई गाड़ी ऐसी देखी जाए जो कि यूनिक हो, ठीक है ना, थोड़ी डिफरेंट हो स्पेसिफिकेशन में। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कार्स खड़ी हुई हैं, उनमें से एक गाड़ी सेलेक्ट की है मैंने, वो है मार्क एक्स। ये वाला मॉडल थोड़ा डिफरेंट है, तो इसलिए इस गाड़ी का रिव्यू हम स्टार्ट करते हैं और साथ रहिएगा। और आज हम करेंगे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात, ठीक है ना, कि क्या चीज़ है और उसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन है जो कि नॉर्मल कार से डिफरेंट है। तो साथ रहिएगा, इन्जॉय करिएगा। अभी हमने जो कार सेलेक्ट की है ये है टोयोटा मार्क एक्स 2010 मॉडल 350S, और आज हम इसके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट लेते हैं जी इसकी स्पेसिफिकेशन से। तो इसके अंदर एक 350 GB आती है, ठीक है। अब उसके साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्या डिफरेंस आता है वो मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ इसकी आउटलुक से। अभी यहाँ पे आप देख लें, इसका सबसे पहले ब्रैकेट देख लें तो ये आती है वर्टिका की, ठीक है ना, जिस तरह कि आपको इसकी ग्रिल पे भी नज़र आ रहा होगा। और ये वाला सारा डिफरेंस है जो कि इसके अंदर एक स्पेशल आता है और ये कंपनी फिटेड है। उसके बाद अगर आप देख लें, इसकी मैं बैक लुक भी दिखा देता हूँ कि किट कैसी दिखती है, और उसके बाद अगले फर्दर चलते हैं। अगर आप बैक साइड से देखें, बैक साइड से भी थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होगा। अगर आप मार्क एक्स ऑन करते हैं या तो आपने मार्क एक्स देखी हुई है उनके साथ कंपैरिजन कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या डिफरेंस है। इसके अंदर लिस्ट स्पॉयलर भी आता है जो कि काफ़ी आजकल आफ्टर मार्केट मिल जाते हैं, लेकिन इसके साथ जेन्युइन आता है और बैक साइड से आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद एग्जॉस्ट में थोड़ी सी डिफरेंस है। इसके अंदर टॉम्स के एग्जॉस्ट आते हैं, वो भी कंपनी फिटेड आते हैं, ठीक है जी। ये एक डिफरेंस आता है जो कि कंपनी फिटेड आपको टॉम्स के एग्जॉस्ट भी मिल जाते हैं। तो ये डिफरेंस है आउटलुक में जो कि मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया, जिसके अंदर एक आपकी वर्टिका किट आती है और टॉम्स के एग्जॉस्ट। ये आउटलुक में हो गया। अब हम इंटीरियर के अंदर जाते हैं। इंटीरियर में कुछ चीज़ें चेंजेस हैं जो कि मैं आपको दिखाने लगा हूँ। की है मेरे पास और इस गाड़ी को अनलॉक करते हैं और अब अंदर की तरफ जाते हैं, फर्दर आपको दिखाते हैं इसके अंदर डिफरेंस क्या आता है। सबसे पहले आप इसका इंटीरियर देखें। इसका इंटीरियर कम्प्लीटली ब्लैक आएगा, ठीक है, और जी के अंदर मेरे ख्याल से थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन भी होता है, लेकिन ये कंप्लीट ब्लैक आता है। जिस तरह कि आप इसकी ट्रिम्स वगैरह भी देख लें, डोर्स भी देख लें, कंप्लीटली ब्लैक है, ठीक है। और सीट्स भी देख सकते हैं, लेदर की आती हैं इसके अंदर। और ये है एक मेन डिफरेंस। अब अंदर आते ही आपको सबसे पहले तो गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देते हैं, क्योंकि वो तो मस्ट है ना भाई। तो आप इसका अगर मेन क्लस्टर देखें, बहुत ही ब्यूटीफुल है, एलिगेंट है, और एक नॉर्मल मार्क एक्स जो आप पाकिस्तान में देखते हैं उससे ज़्यादा प्यारा भी है। जाहिर बात है उससे अगली जनरेशन है तो ज़्यादा प्यारा भी है। अब आ जाते हैं जी डिफरेंस की तरफ। सबसे पहला तो मैंने आपको बताया था ब्लैक इंटीरियर। सेकंड डिफरेंस जो आता है, इसके अंदर आते हैं पैडल शिफ्टर जो कि जी के अंदर नहीं आते। इसके अंदर आते हैं पैडल शिफ्टर, ये जैसा कि देख सकते हैं। तो आप इस पैडल शिफ्टर की मदद से आप मैन्युअली भी आप इसको चला सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। जैसा गियरबॉक्स जैसा कि देख सकते हैं, इसके अंदर ट्रिप्टॉनिक गियरबॉक्स आता है और प्लस इसके साथ स्पोर्ट्स एंड स्नो के अलग से स्विच दिए हुए। और मज़े की चीज़ देखें, इकोन का अलग से मोड भी दिया हुआ है, आप इसको एवरेज के तौर पर भी चला सकते हैं। लेकिन इंजन स्पेसिफिकेशन बताऊँगा ना तो आपको हंसी आ जाएगी। तो सबसे पहले आप इन चीज़ों पर नज़र डालें। यहाँ पर थोड़ी सी मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। स्टेयरिंग इसका काफ़ी प्यारा है, ठीक है जी। मल्टी मीडिया सारा कंट्रोल है इसके अंदर। और ये इसका नेविगेशन है जो कि इसका बिल्टन आता है। पाकिस्तान में एंड्रॉयड पैनल डाल लेते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे एंड्रॉयड पैनल बिल्कुल नहीं पसंद। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अंदर ब्लूटूथ भी है। इसे पिछली जनरेशन के अंदर मेरे ख्याल से ब्लूटूथ नहीं था, तो इसलिए वो चेंज कर लेते हैं। अगर इसमें ब्लूटूथ है तो आपको ज़रूरत नहीं है इसको चेंज करने की। बाकी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं जो कि इसके कंप्यूटर के साथ सिंक हुए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फंक्शन होते हैं। अभी जैपनीज़ लिखी है तो मैं किसी चीज़ को टच नहीं कर रहा, ठीक है भाई। बाकी आपका ये सारा ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, ठीक है जी। पैसेंजर और ड्राइवर अपना अपना अलग अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, जिसमें के स्विचेस बने हुए हैं। और हीटेड सीट्स हैं इसके अंदर, ठीक है जी। जिसमें के देख सकते हैं, ये हीटेड सीट्स आप इसको ऑन भी कर सकते हैं, तो दोनों सीट हीटेड हैं फ्रंट। तो ये एक डिफरेंस है। इसके अंदर सनरूफ भी आता है, ठीक है। और जिसमें के भी आप देख सकते हैं सनरूफ टिल्ट हुआ है। और अब हम इसका इंजन दिखाते हैं आपको। इंजन स्पेसिफिकेशन बड़ी एक सॉलिड है, तो इसलिए वो चीज़ भी आपने देखनी है। और इसके सस्पेंशन के बारे में भी मैं आपको गाइड करता हूँ। इसकी सस्पेंशन भी डिफरेंट है। तो गाड़ी सबसे पहले हम स्विच ऑफ करेंगे। ये स्टेयरिंग और सीट्स ऑटो एडजस्ट हो जाती हैं क्योंकि सीट भी इसकी इलेक्ट्रिक हैं।
ये जिस तरह के देख सकते हैं ये वाले। तो अभी हम इसके बोनट खोलते हैं और इसका इंजन आपको दिखाते हैं, साथ रहिएगा। तो अभी हम बोनट खोलते हैं, ये लॉक ऊपर किया और ये चेक करें जी। अब इसके अंदर इंजन जो आता है ये है 2GR 3500 CC, ठीक है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप है पाकिस्तान में और मतलब कि उसको स्पोर्ट्स में कंसीडर किया जाता है। और ये वो इंजन है जो इसके साथ जेन्युइन आता है, जिस तरह के भी आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन है, काफ़ी अच्छी हॉर्स पावर है इसकी। और जिनको फिगर्स पता हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, चले आप लोगों के लिए भी थोड़ा बहुत टास्क रखना चाहिए। और ये है इसका इंजन जो कि इसके साथ आता है 3500 CC। ये ड्रैग रेस में भी आई थी और इसने एक ट्यून्ड मार्क एक्स के साथ साथ बिल्कुल उसको टक्कर दी थी। तो ये बिल्कुल नॉर्मल स्टॉक गाड़ी हम लेके गए थे और इसने काफ़ी अच्छा टकरा भी किया था उस गाड़ी के साथ। तो ये है जी इसका इंजन 350S और 350G के अंदर एक सस्पेंशन का भी डिफरेंस आता है, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह। इसके अंदर आती है स्टिफ सस्पेंशन और जी के अंदर आती है सॉफ्ट, ठीक है जी। अब स्टिफ ज़ाहरी बात है ये थोड़ी सी स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर बनाई है, तो इसकी कॉर्नरिंग हो गई या तो फिर इसकी कर्व्स हो गए, ये इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, तो बॉडी रोलिंग काफ़ी कम होती है इसके अंदर। और दूसरी जो आपकी जी है उसके अंदर सॉफ्ट सस्पेंशन आती है, वो भी बुरी नहीं है, लेकिन उसके अंदर सॉफ्ट का शीशा मिलता है, इसके अंदर आपको स्पोर्ट्स का शीशा मिलता है। ये गाड़ी थोड़ी सी हाइट में भी उससे नीचे है, अगर आप उस साइड बाई साइड कंपेरिज़न करें तो ये हाइट में भी थोड़ी सी उससे डाउन होगी। तो ये है गाड़ी कंप्लीट जो कि मैंने आपको दिखाई है, इसका कंप्लीट रिव्यू दिए आपको। उम्मीद करते हैं ये पसंद आया होगा आपको, और कोई भी क्वेश्चंस हो और कोई भी आप नेक्स्ट गाड़ी का रिव्यू चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये था एक कंप्लीट रिव्यू जो कि मैंने आज मोबाइल फ़ोन से कंप्लीट बताया, और मैंने मेन मेन पॉइंट्स नोट करवाए हैं। ट्रंक काफ़ी लोग देखना चाहते हैं, भाई ट्रंक नहीं दिखाया गाड़ी का, तो ट्रंक इतना ख़ास नहीं होता, बिल्कुल प्लेन होता है अंदर, एक अगर किसी में स्टेपनी होती है किसी में नहीं होती, बस इतना ही डिफरेंस होता है। बाकी आपने गाड़ी देख ली है, बाकी लाइट्स भी सेम आती हैं, ठीक है जी, शेप भी सेम आती है, सनरूफ उसके अंदर भी आता है, 3500 उसके अंदर भी आता है, 2500 भी आता है, अलॉयरिम्स भी सेम आते हैं तकरीबन। तो ये डिफरेंस अगर आप देख लें तो मेन मैंने आपको बता दिए। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की, उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। अगर इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं तो मुझे बताएं, हम फर्दर भी आगे इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।